will do English. So first of all, take out your English tulips and open page number 45. Students, page number 45 पे match the following है. Column A to column B से हमें match करना. So यहाँ पे आपको pictures भी दिए हुए हैं, name भी दिए हुए हैं. Same यहाँ पे भी आपको pictures and names दिए हुए हैं. यहाँ पे हमें correct choose करके हमें यहाँ पे match करना. First है bird. तो students यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है एनिमल्स और बर्ड्स के नेम और यहाँ पे उसके हाउसेस के नेम. तो किसका कौन सा हाउस है उसके साथ मैच करना है. बर्ड, तो बर्ड कहाँ रहता है, ट्री, नेस्ट, वाटर, देन और स्टेबल. तो स्टूडेंट्स बर्ड है वो नेस्ट में रहता है. बर्ड का जो हाउस है उसे नेस्ट कहते हैं. तो आपको ए को टू के साथ ज्वाइन करना. नेक्स्ट फिश, तो फिश है वो वॉटर में रहती है. तो आपको फिश को थ्री के साथ ज्वाइन करना है. फिश, वॉटर. स्क्विरल, तो स्टूडेंट स्क्विरल है वो ट्री पे रहती है, राइट. आपने भी दिखा होगा. तो आपको सी वन ज्वाइन करना. हॉर्स, हॉर्स का जो हाउस है उसे स्टेबल कहते हैं. तो हॉर्स स्टेबल एंड लाइन डेन. लाइन का जो हाउस है वो क्या है, डेन. तो यहाँ पे ज्वाइन करना. नेक्स्ट पेज नंबर 45 पे सेम राइमिंग वर्ड्स है. एक वर्ड दिया हुआ है उसके जैसे फोर वर्ड्स है. रूम, तो डूम, जूम, लूम एंड ब्रूम. नेक्स्ट लुक, तो बुक, कुक, टुक एंड शू. ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स आपको अच्छे से आते हैं. नाउ लिसनिंग स्किल है, टर्न योर पेज एंड वहां पे ऊपर यहाँ पे लिसनिंग स्किल है. तो यहाँ पे एक गर्ल का पिक्चर दिया हुआ है जिसका नेम लिली है और उसने व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना. तो उसी के बारे में तीनों क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है लिली इज वेयरिंग अ फ्रॉक. सो लिली ने कौन से कलर का फ्रॉक पहना है. आपके ऑप्शंस है पिंक और व्हाइट. सो लिली ने व्हाइट फ्रॉक पहना है. तो आपको टिक करना है और यहाँ पे लिखना है. ओके, नेक्स्ट द ओल्ड वुमन वॉक्स slowly with a. तो स्टूडेंट्स जो ओल्ड वुमेन होते हैं वो किसके पकड़ से, किसको पकड़ के वॉक करते हैं, किसकी हेल्प से वॉक करते हैं. आपके ऑप्शन है बुक एंड स्टिक. तो जो ओल्ड मैन और वुमेन होते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं. सो आंसर इज स्टिक, एस टी आई सी के. नेक्स्ट मिसेस दिया इज. सो मिसेस दिया है वो टॉल है या शॉर्ट. सो आंसर इज टॉल, क्योंकि बड़े लोग होते हैं वो टॉल ही होते हैं ना, छोटे चिल्ड्रन जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. तो आंसर इज टॉल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 47. यहाँ पे पेज नंबर 47 है. यहाँ पे पिक्चर के साथ सेंटेंसेस है, हमें उसे करना है. सो फर्स्ट है दी रैट इज अ कनिंग एनिमल. सो यहाँ पे उसका पिक्चर है. आप बताइए कौन सा पिक्चर है आपकी बुक में से देखकर. सो ये फॉक्स है. सो फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल. सो यहाँ पे आपको फॉक्स लिखना है. इन शॉर्ट यहाँ पे जिस भी एनिमल्स के पिक्चर्स है उसका नेम ब्लैंक में लिखना है. दी ब्लैंक रन फास्ट. ये पिक्चर किसकी है, हॉर्स. सो आंसर इज हॉर्स, हॉर्स रन फास्ट. नेक्स्ट दी ब्लैंक लाइक बनानास. तो पिक्चर किसकी है, मंकी. तो आंसर इज मंकी, दी मंकी लाइक बनानास. मतलब मंकी को बनानास अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट नंबर 4 है ब्लैंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग. भी किसकी पिक्चर है, एलिफेंट. एलिफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफेंट. एंड लास्ट कौन है, कौन सा एनिमल है, जिराफ. सो यहाँ पे हम लिखेंगे जिराफ. जिराफ इज टॉल एनिमल. तो जिराफ. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेसन नंबर 7 पेंटिंग द वॉल टोटली टुलिप्स में कंप्लीट होता है. ठीक है, एंड सीडब्ल्यू में भी. स्टूडेंट आपको सीडब्ल्यू में पीडीएफ मिल रहे हैं. आपको पीडीएफ में से सीखोगे कंप्लीट करनी है और वीडियो की हेल्प से तो लिप्स कंप्लीट करनी है. ठीक है, थैंक यू.